हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ई लर्निंग अकाउंट्स एंड मैथ्स। आज हम करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट का क्वेश्चन नंबर 13। ओल्ड बुक में ये क्वेश्चन नंबर 12 है। तो देखिए, इसमें भी सिर्फ जनरल एंट्रीज हमें बनानी है एंड इसमें जीएसटी भी दिया हुआ है। तो हम देखेंगे जीएसटी की एंट्री हम इसमें कैसे करेंगे। फर्स्ट इसमें एंट्री दिया हुआ है क्लोजिंग स्टॉक। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 11 में आप लोगों को बताया था क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट में क्लोजिंग स्टॉक क्रेडिट साइड जाता है, जनरल एंट्री में वो डेबिट साइड हो जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक डेट पर्टिकुलर अमाउंट आप लोग लिख लेना, क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट अमाउंट हो जाएगा 80,000 and 80,000। नेक्स्ट एंट्री इसमें है आउटस्टैंडिंग सैलरी। सो इसकी एंट्री हो जाएगी सैलरीज अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग हमारा क्रेडिट साइड जाता है, आउटस्टैंडिंग सैलरीज। इट मीन्स अभी सैलरी देना है, अभी दिया नहीं है, तो ये हो जाएगा 21,000 and 21,000। नेक्स्ट एंट्री इंश्योरेंस प्रीमियम अमाउंटिंग टू 15,000 इज पेड इन एडवांस। इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट एडवांस में हो गया है, तो ये प्रीपेड है। प्रीपेड हमारा डेबिट में जाता है, एडवांस में पेमेंट हो गया, एक्सपेंस हो गया। प्रीपेड इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस अकाउंट 15,000 and 15,000। 9,000 रिसीव्ड फॉर रेंट रिलेटेड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। इसकी एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट टू रेंट रिसीव इन एडवांस। ये क्रेडिट होता है, एडवांस में हमें रिसीव हो रहा है, इनकम हो रहा है, तो ये हो जाएगा रेंट रिसीव इन एडवांस। रिसीव इन एडवांस हमारा क्रेडिट साइड जाता है एंड प्रीपेड की एंट्री हम डेबिट साइड करते हैं। अमाउंट हो जाएगा 9,000 and 9,000। नेक्स्ट एंट्री कमीशन अक्रूड बट नॉट रिसीविंग ड्यूरिंग द अकाउंटिंग ईयर। इट मीन्स कमीशन अर्न हुआ है बट रिसीव नहीं हो, तो एक्रूड इनकम हमारा डेबिट साइड जाता है एंड कमीशन के साथ हम जीएसटी की भी एंट्री करेंगे, तो ये हो जाएगा एक्रूड इन कमीशन अकाउंट डेबिट। इसमें आउटपुट जीएसटी लगेगा टू। जीएसटी वाले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा आउटपुट जीएसटी एंड इनपुट जीएसटी की एंट्री हम कैसे करते हैं, तो ये हो जाएगा टू कमीशन अकाउंट टू आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट एंड टू आउटपुट एसजीएसटी अमाउंट हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 1500। एंड देखिए जीएसटी कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे, 9% जीएसटी एंड एसजीएसटी दिया है ऊपर, तो 1500 का हम 9% निकालेंगे। ये हो गया 135। ये 135 हम इन दोनों में लिख देंगे, 135 and 135। इन तीनों को टोटल करके हम यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा 1770। नेक्स्ट एंट्री हम करेंगे राइट ऑफ 500 एज फर्दर बैड डेट्स। तो ये बैड डेट्स हमारा लॉस होता है, तो वो हम डेबिट में लिखेंगे, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट अमाउंट हो जाएगा 500 and 500। गुड्स कॉस्टिंग 800 डिस्ट्रॉय बाई फायर एंड इंश्योरेंस कंपनी एडमिटेड अ क्लेम फॉर 5,000 ओनली। तो देखिए गुड्स फायर से डिस्ट्रॉय हो गया है, तो गुड्स पे हम जीएसटी लगाते हैं, तो इसकी एंट्री हो जाएगी, हम इधर कर लेंगे लॉस बाय फायर हुआ है, लॉस हुआ है हमारा, तो ये डेबिट में इसकी एंट्री होगी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू, जब गुड्स डिस्ट्रॉय होता है तो हम टू परचेज लिखते हैं, टू परचेज, परचेज के साथ हम इनपुट सीजीएसटी एंड एसजीएसटी लगाते हैं, ये आप लोगों ने पढ़ा होगा।
इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी 8000, 8000 का गुड्स डिस्ट्रॉय हुआ था, 8000 पे 9% जीएसटी कैलकुलेट कर लेंगे, 8000 इंटू 9/100 720, दोनों में हम 720 की एंट्री कर लेंगे, 720 एंड 720 टोटल हो जाएगा ये 9440। ये हो गया। एंड देखिए इसमें इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से क्लेम भी मिला है 5000 का, तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, इंश्योरेंस कंपनी कंपनी अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, टू लॉस बाय फायर। कितने का गुड्स लॉस हुआ था, 9000 जीएसटी ऐड करने के बाद 9440 का, एंड क्लेम कितना मिला, कितना हमें रिसीव हुआ 5000, लॉस कितने का हुआ 9440 माइनस 5000, ये हो जाएगा 4440। ये हो गया। अब हम लास्ट एंट्री देखेंगे, गुड्स कॉस्टिंग 10000 मार्केट वैल्यू 11000 वर टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज। सो स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ किया गया, तो गुड्स के साथ जीएसटी की एंट्री होती है, तो यहाँ हो जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज, गुड्स विड्रॉ किया तो यहाँ परचेज हो जाएगा, टू परचेज अकाउंट एंड परचेज के साथ इनपुट सी जी एस टी लगता है एंड एस जी एस टी, टू इनपुट सी जी एस टी टू इनपुट एस जी एस टी 10000 का गुड्स विड्रॉ हुआ है। एंड जनरल एंट्री में मार्केट वैल्यू का कोई रोल नहीं होता है, तो यहाँ हम लिखेंगे 10000 का हम 9% निकालेंगे। देखिए ये हो जाएगा 10000 इंटू 9/100, ये हो जाएगा 900 एंड 900 टोटल हम यहाँ लिख देंगे, ये हो जाएगा 11800। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13 हमने कंप्लीट कर लिया। इफ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कॉमेंट एंड डू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।